आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को हम पहुंचे हैं आगरा। ये कोठी मीना बाजार आगरा का ग्राउंड है जहां पर कल होने वाली है बहुजन समाज पार्टी की महारैली, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंच रही हैं। और उनके उनके आगमन पर आप ये देख रहे हैं अभी से इतना प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर हो रहा है, और किस तरीके से जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं बघेल जी, और जो पूरी टीम है आगरा की बसपा की, वो इस कार्यक्रम को यहाँ पर तैयार कर रही है। कल बहन जी के मंच की तैयारियाँ जो बड़े जोर शोर से हो रही हैं, उस मंच की तरफ, जिस मंच को कल लोग छूने के लिए भी तरसेंगे, आज हालांकि मंच की तैयारियां चल रही हैं, ये वही मंच है जिस पर कल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आगरा की जनता को संबोधित करेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बसपा को अनुशासन की एक पार्टी कहा जाता है, एक बहुजनों का मिशन कहा जाता है, तो कोरोना गाइडलाइंस ना टूटे इसलिए बहन जी ने कोई रैली नहीं की थी। कल आगरा से माननीय बहन जी की रैलियां शुरू हो रही हैं और वो जनता से रूबरू होंगी, पूरा एक हफ्ता जनता के बीच में रहेंगी। मंच पर मैं लेकर चल रहा हूँ, जिस मंच से कल माननीय बहन जी जनता को संबोधित करेंगी, मैं चाहूँगा रश्मि एक बार दिखाए बहन कुमारी मायावती जी के कितने बड़े पोस्टर यहाँ पर लगे हैं, कितना बड़ा, क्योंकि बसपा के जो मंच हैं उनकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की सरकार बनाने हेतु आगरा मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा, बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी, पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार, समय दोपहर 2 बजे। आप ध्यान रखें, समय कल दोपहर 2 बजे का है। अगर आप 1 फरवरी को ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 फरवरी को दोपहर को 2 बजे से पहले आपको यहाँ पहुंचना होगा, अगर आपके पास पास है तो। जैसा कि जिलाध्यक्ष साहब ने बताया कि 1,000 व्यक्तियों के लिए सीटिंग है और 1,000 व्यक्तियों के लिए ही पास बनाए गए हैं। अगर आपके पास पास नहीं है तो आप इस पंडाल में जो 1,000 कुर्सियां बिछी होंगी उन कुर्सियों पे नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए आपको अभी से अपने पास सुनिश्चित कर लेने चाहिए। देखिए, कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2 फरवरी को 1 बजे के आसपास आगरा के इस मैदान में पहुंचेंगी, और बहुजन समाज पार्टी के पूरी यूनिट यानी आगरा मंडल के सम्मानित साथियों ने पूरी तरीके से यहां तैयारी कर रखी है। बहन जी का स्टेज बन चुका है, पंडाल बन चुका है, और जो कोरोना से संबंधित नियम है उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए ये आदरणीय बहन जी इस सभा को संबोधित। तो शासन प्रशासन ने कितने लोगों की अनुमति दी है कि इतने लोगों की सभा हो सकती है बहन जी की? 1,000 बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये सभा है और 1,000 ही रहेंगे, जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। तो ये कितने जिलों का प्रोग्राम है? ये आगरा मंडल के सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का प्रोग्राम, ये मतलब जिलों का प्रोग्राम नहीं है, मतलब आगरा आगरा का प्रोग्राम है, आगरा मंडल के, आगरा मंडल का। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया द्वारा कि 9 जो विधानसभा है वहाँ पर अलग अलग, मतलब हर विधानसभा में LED लगा करके वहाँ की जनता को वहाँ पर बहन जी का प्रोग्राम दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, जब आदरणीय बहन जी कोई बाइक देती हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज के भाई अपने अपने घरों में TV पर देखते हैं, ऐसे ही TV पर देखेंगे। LED लगाकर कोई प्रोग्राम नहीं, LED लगाकर कोई प्रोग्राम नहीं है। मुनकाद अली जी, हमारे दर्शकों को और बहुजन समाज को क्या अपना संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हो, कानून व्यवस्था से संबंधित मामले हो या सर्वजन हिताय के से संबंधित कार्य हो, हर कार्य बहुत ही सफलता के साथ किया है, और आज चाहे कोई भी पार्टी मैदान में है उसके वर्कर उसके नेता ये कहने के लिए मजबूर हैं कि अगर कहीं शासन था तो बहुजन समाज पार्टी का शासन था, इसलिए सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी।
और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती को एक लंबे अरसे के बाद बहन जी रूबरू होंगी अपने कार्यकर्ताओं से, कितना बड़ा प्रभाव आप इसको आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखते हैं? देखिए आदरणीय बहन जी, मैं समझता हूँ कि कोई दिन नहीं जाता जो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं होती, ट्वीट करके, कभी बाइक देकर। ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी अपने हर वर्कर से हर समय जुड़ी रहती हैं, और जिस तरीके से अब ये कल की सभा होगी, हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से जो कोरोना संबंधित नियम है उनका पालन करते हुए इस सभा को सफल बनाएंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से संबोधित करेंगी, तो ये लगता है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी है। कोरोना नियम। मेरे साथ आगरा के जिलाध्यक्ष मिस्टर बघेल मौजूद हैं। कल बहन जी की रैली होने वाली है। कई वर्षों में बहन जी इस तरीके से, क्योंकि कोरोना काल के चलते, गाइडलाइन के चलते, जैसे कि कहा जाता है कि बसपा एक नीति के तहत चलती है, एक मिशन के तहत चलती है, कोई किसी भी सरकार की गाइडलाइन को तोड़ना नहीं चाहती है। कल बहन जी रूबरू हो रही है, साक्षात्कार आमने सामने हो रहा है, कई सालों बाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं में कैसी आप उमंग देख रहे हैं? सबसे पहले तो माननीय बहन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आगरा से शुरुआत हो रही है, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। जो चुनाव 2022 का हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग है। माननीय बहन जी पहली रैली यहाँ से स्टार्ट कर रही हैं, और 2 फरवरी को आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं, कोटी मीना बाजार में, माननीय बहन जी यहाँ आ रही हैं। और जो कोविड-19 का पालन माननीय बहन जी ने हमको भी आदेश दिया है, कोविड-19 का पालन करते हुए और चुनाव आयोग की गाइडलाइन को देखते हुए, उन नियमों के साथ यहाँ सभा होगी। नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा, ना कोविड-19 के पालन तोड़े जाएंगे। अभी 9 सितंबर को रमाबाई पार्क में एक रैली बहन जी के माध्यम से हुई थी, वहां पर भी बहन जी को यह कहना पड़ा कि मैंने कुछ लोगों को बुलाया था लेकिन लाखों की संख्या में आ गए हैं, ऐसी व्यवस्था यहां पर हुई तो नहीं, क्योंकि बसपा के समर्थकों को कोई रोक नहीं पाया था। जी माननीय बहन जी के यहाँ संगठन आप देखते हैं, शुरू से जानते हैं, हमारे यहाँ पहले से ही सारी चीज़ों का, नियमों का पालन किया जाता है, यहाँ अनुशासन कोई नहीं तोड़ा जाता है, तो नियम हम पहले से ही फॉलो करते हैं। हमने पास बनाए हैं, 1000 पास हैं हमारे, 1000 ही कुर्सी लगाई जाएंगी, 1000 से एक कुर्सी नहीं होगी, और हमने बैरिकेडिंग कराई गई है, बाहर का सारी जनता को हमने रोका गया है। अगले महीने चुनाव है, बहन जी की इस रैली का क्या फर्क आपको लगता है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आप देखिएगा 2022 में जब 11 मार्च को वोटिंग खुलेगी, तो 5वीं बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और हम 9 की 9 विधानसभा यहाँ से जीत रहे हैं, आप सर्वे कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे वो है। हम 9 की 9 विधानसभा आगरा से जीत रहे हैं, ये कहना है जिलाध्यक्ष साहब का, और कहीं ना कहीं एक तमाचा भी है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं माननीय बहन जी अपने महल में बैठी है, महल से बाहर नहीं निकल रही। आप देखिएगा पूरा हफ्ता बहन जी सड़क पर होंगी, आप लोगों के बीच में होंगी, आप आइएगा, बहन जी को सुनिएगा और सोचिएगा कि बहन जी क्यों नहीं निकलती हैं, और अभी निकली हैं तो क्यों निकली हैं। कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़े कांटे का चुनाव है, बनेंगी तो मुख्यमंत्री बहन जी ही। मैं हूं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।